मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को धोखा देने वाली दिशाहीन और अराजक सरकार बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का चरित्र ही धोखा देना है। इनके मुख्यमंत्री ही अपना किया वादा पूरा नहीं करते। प्रदेश सरकार ने किसानों से और बहनों से जो वादे किए वो आज भी पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय सामाजिक आपातकाल के हालत हैं, जिससे प्रदेश की जनता जूझ रही है। ग्वालियर प्रवास पर आए जीतू पटवारी ने प्रदेश की सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के धान के दाम MSP 3,100, गेहूं के 2,700 और सोयाबीन के भाव 6,000 रुपए देने का वादा किया था। खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, अतिथि विद्वानों अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का वादा, लेकिन कुछ नहीं किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि रोड पर आऊंगा, लेकिन मंत्रालय में चले गए। अब यह बात विपक्ष नहीं उठाएगा तो फिर कौन उठाएगा? ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। ऐसा है, आज 10 महीने हो गए हैं जो बीजेपी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, उसमें किसानों के धान के 3100 की बात कही थी, किसानों के गेहूं के 2700 की बात कही थी, 6,000 रुपये कुंटल किसानों के सोयाबीन के भाव को लेकर, किसान का बेटा रोड पे है आपने डबल इनकम की बात कही थी, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात कही थी, 3,000 बहनों को देंगे इस नाम पे वोट लिया, अतिथि विद्वानों को नियमित करेंगे, अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे, इस बात का वोट लिया, किया क्या? छत्तीसगढ़